हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न चाट। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत डिलीशियस बनती है। इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। इसका सिंपल रेसिपी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं और बड़े भी इसको बहुत शौक से खाते हैं। चलिए आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्वीट कॉर्न का पैकेट लेके उसको बॉईल करके छान लिया है। छानने के बाद में मैं उसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ट्रांसफ़र करने के बाद में मैंने एक बड़ा चम्मच जो है वो मक्खन का लिया है, अमूल बटर का। बटर को मैंने स्वीट कॉर्न के अंदर ऐड कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ जब तक कि मेरा जो बटर है वो अच्छे तरीके से स्वीट कॉर्न के ऊपर लग ना जाए। तब तक इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। इसको हिलाने के बाद में मैं ले रही हूँ चाट मसाला। मेरे पास कैच का चाट मसाला है, आप किसी भी कंपनी का चाट मसाला ले सकते हैं। एक चम्मच मैंने चाट मसाला इसके अंदर डाला है और साथ ही में मैंने इसके अंदर डाला है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब मैंने इसके अंदर एक चम्मच नींबू का रस डाला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे हमारे कॉर्न्स के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाएं। कॉर्न्स हमारे रेडी हो गए हैं। इसको मैं एक कांच के ग्लास के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ सर्व करने के लिए। तैयार है मेरी स्वीट कॉर्न चाट खाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल आइकन आएगा, प्लीज़ उसे प्रेस करना ताकि मेरी सारी की सारी नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।